हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ईशा ट्यूटोरियल। हम अभी ईडियम्स जो हैं वो स्टार्ट कर रखे हैं। अब तक हमने तीन पार्ट ईडियम्स के कवर कर चुके हैं और आज हम फोर्थ पार्ट जो है वो स्टार्ट करेंगे। ए टू जेड अल्फ़ाबेट्स के सारी ईडियम्स हम कवर अप करने वाले हैं। होपफुली आज हम अल्फ़ाबेट ए को फिनिश कर देंगे। ओके, और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आज की ईडियम्स जो हैं वो स्टार्ट करते हैं। टुडेज फर्स्ट ईडियम इज़ Armed at all points. Armed at all points. It means prepared in every particular. मतलब हर तरीके से किसी भी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रहना, सभी तरीके से किसी भी सिचुएशन के लिए, कोई भी इवेंट के लिए या कोई एग्जाम है, किसी भी चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहना। ओके, नेक्स्ट idiom is armed to the teeth. Carrying a lot of weapons or heavenly equipped. Armed to the teeth मतलब armed होना। यहाँ पे armed का sense weapon से है, क्योंकि हमने जितने भी weapons हैं teeth तक, यानी कि full body पे carry कर रखे हैं। तो खूब सारे weapons और हथियार अपने साथ रखना या हथियारों से लेस होना, इसका जो है वो meaning निकलेगा। heavily equipped, किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा equipped होना, अपने शरीर पे बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में कोई भी चीज़ जो है वो डाल कर रखना। और बेसिकली ये सिर्फ वेपन्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट idiom इज अप टू योर आर्म पिट्स। अप टू योर आर्म पिट्स मीन्स डीपली इन्वॉल्व इन अ पर्टिकुलर अनप्लीजेंट सिचुएशन और एंटरप्राइज। इट मीन्स कि आप किसी भी सिचुएशन या कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी वर्क है, उसमें बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हैं। और ये भी कह सकते हैं कि वो जो सिचुएशन है, वो एंटरप्राइज है या वो कोई वर्क है, वो जो है हमारा अनप्लीजेंट वर्क है, जिसमें हम चाहते नहीं हैं, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, किसी बुरे काम के अंदर बहुत अधिक तरीके से फंस जाना के लिए हम ये यूज़ करेंगे। बुरी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा फंस जाने के लिए हम यूज़ करेंगे अप टू योर आर्म पिट्स। नेक्स्ट idiom इज यू एंड हुज आर्मी। यू एंड हुज आर्मी इट मीन्स यूज टू एक्सप्रेस डिसबिलीफ इन समवन्स एबिलिटी टू कैरी आउट अ थ्रेट। इट मीन्स कि किसी के ऊपर जो है अक्षमता, मतलब अविश्वास वाली सिचुएशन होना, कि कोई हमें जो है वो थ्रेट वाली सिचुएशन, कोई सी मुसीबत से बाहर निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता, इस चीज़ के लिए हमें किसी के ऊपर अविश्वास होना, विश्वास जो है वो नहीं होना। इस idiom को हम उसी सिचुएशन में यूज़ करेंगे, यू एंड हुज आर्मी। ओके, नेक्स्ट idiom इज हैव बीन अराउंड। इट मीन्स हैव अ लॉट ऑफ वैरिड एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड, स्पेशली अ लॉट ऑफ सेक्शुअल एक्सपीरियंस। इट मीन्स हैव बीन अराउंड मतलब कि किसी का बहुत ज़्यादा अराउंड, यानी कि पूरी जगह घुमा हुआ होना। इट मीन्स कि वर्ल्ड का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होना, जो दुनियादारी से बहुत ज़्यादा वाकिफ हो, उसके लिए हम यूज़ करेंगे हैव बीन अराउंड। स्पेशली ये जो idiom है, ये जो एक्सप्रेशन है, वो किसी के सेक्शुअल एक्सपीरियंस, जैसे बहुत ज़्यादा सेक्शुअली एक्सपीरियंस हो, उसके लिए ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट idiom इज एन एरो इन द क्विर। एन एरो इन द क्विर, क्विर मीन्स तरकश, जिसके अंदर जो एरोज होते हैं, तीर जो होते हैं, वो रखने का जो इक्विपमेंट होता है उसे बोलते हैं। इट मीन्स वन ऑफ अ नंबर, वन ऑफ अ नंबर रिसोर्सेज और स्ट्रेटजीज डेट कैन बी ड्रॉन और ऑन फॉलोड। ओके, इट मीन्स कि कोई भी सिचुएशन है, उसके लिए एक या एक से ज़्यादा स्ट्रेटजीज होना, रिसोर्सेज होना, किसी भी प्लान को पूरा करने के लिए, कैसी स्ट्रेटजी को पूरा अकम्प्लिश करने के लिए हमारे पास रिसोर्सेज जो भी है, जो भी स्ट्रेटजी है, वो एक नहीं है, वो एक से ज़्यादा है। ओके, तो इसके ऐसी कोई सिचुएशन जिससे हमें बाहर निकलना है, ऐसा कोई प्लान जो हमें कंप्लीट करना है, उसके लिए खूब सारे रिसोर्सेज होने के लिए हम ये वाली idiom जो है वो यूज करेंगे, एरो इन द क्विर। नेक्स्ट idiom इज एरो ऑफ टाइम और टाइम्स एरो। इट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल फ्रॉम पास्ट टू फ्यूचर इन टाइम कंसिडर्ड एज अ फिजिकल डायमेंशन। इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट से फ्यूचर तक जो भी ट्रैवलिंग का, जो भी आज तक का पुराना इंसिडेंट है और हम पास्ट से लेके फ्यूचर तक का कोई बता रहा है कि ये हुआ था, ये ऐसे हुआ था, फिजिकल डायमेंशन में कि उसको किस दिशा के अंदर कितने चेंजेस आ गए, पहले वो क्या था और अब वो क्या हो गया है, कोई पास्ट से लेके अब तक का, अपना प्रेजेंट तक का कुछ बता रहा है, तो इसके लिए, उस टाइम बींग के लिए हम ये फ्रेज, ये idiom जो है वो यूज़ करेंगे, एरो ऑफ टाइम और टाइम्स एरो। नेक्स्ट idiom इज अ स्ट्रेट एरो। अ स्ट्रेट एरो जो एरो है बिल्कुल सीधा। इट मीन्स अ वेरी ऑनेस्ट और जेन्युइन पर्सन, कि बहुत ही ज़्यादा ईमानदार आदमी के लिए, जो बिल्कुल सच्चा आदमी है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे अ स्ट्रेट एरो।
नेक्स्ट ईडियम इज गो आर्स ओवर टिट. इट मीन्स फॉल ओवर इन अ सडन और ड्रामेटिक वे, मतलब कि अचानक से और ड्रामेटिक, बहुत ही नाटकीय तरीके से गिर जाना, बहुत ही फनी मैनर के अंदर कोई गिर जाता है, फिसल जाता है. तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये वाली idiom, go hours over it. It means fall over in a sudden or dramatic way. Next idiom is not know your hours from your elbow. It means be totally ignorant or incompetent. Not know your hours from your elbow. मतलब कि किसी भी चीज़ से बिल्कुल ही अनजान होना, incompetent होना. incompetent means अयोग्य होना, कि किसी भी चीज़ के लिए कोई पर्सन जो है वो अयोग्य है, या कोई सिचुएशन है जिससे वो बिल्कुल अनजान है. तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम ये यूज़ करेंगे, not know your hours from your elbow. Next idiom is आर्ट फॉर आर्ट्स सेक, कि आर्ट जो है वो सिर्फ आर्ट के लिए होती है, यानी कि कला सिर्फ कला के लिए ही बनी है. ओके, इसका मतलब है कि द आइडिया डेट अ वर्क ऑफ आर्ट हैज़ नो पर्पस बियॉन्ड इट्स सेल्फ. इट मीन्स कि कोई भी आर्टिस्ट का, कोई भी आर्ट का वर्क है, उसका कोई और पर्पस नहीं है, वो सिर्फ अपना ही पर्पस जो है वो पूरा कंप्लीट कर रही है. यानी कि आर्ट में जो भी आर्टिस्ट है, उसने जो भी आर्ट बनाया है, उसमें आर्टिस्ट ने क्या किया है, अपना बिहेवियर, अपना कैरेक्टर और अपने थॉट्स जो हैं उनको डाला है इसमें. किसी और का किसी भी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, या किसी और फील्ड में किसी भी तरीके से कोई बेनिफिट नहीं है. यानी आर्ट सिर्फ आर्ट के लिए ही बना है. ओके, और इसका दूसरा मीनिंग हम निकालना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इंसान जो सिर्फ अपने सेल्फ फिस पर्पस के लिए कोई वर्क कर रहा है, तो उसके लिए हम ये यूज़ कर सकते हैं. और ये जो फ्रेज़ है, ये जो स्लोगन है, ये आर्टिस्ट ने ही के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ में आता था, और वो ही होल्ड करते थे कि जो आर्ट का वर्क है वो क्या है, आर्टिस्ट के सेल्फ एक्सप्रेशन का है. मतलब इंडिविजुअल आर्टिस्ट जो है वो जो उसे क्रिएट करने वाला है, वो उसमें अंदर, उसके अंदर अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस कर रहा है. ओके, नेक्स्ट idiom इज़ बी आर्ट एंड पार्ट ऑफ. इट मीन्स बी एन एसेसरी और पार्टिसिपेंट इन, बी डीपली इन्वॉल्व इन, बी आर्ट एंड पार्ट ऑफ, किसी भी चीज़ का भाग होना, किसी भी चीज़ की कोई बहुत इंपॉर्टेंट ज़्यादा उसका भाग होना, उसका पार्टिसिपेंट होना, और किसी भी सिचुएशन या किसी भी काम के अंदर बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होना के लिए हम ये यूज़ करेंगे, बी आर्ट एंड पार्ट ऑफ. और ये भी कह सकते, बी आर्ट एंड पार्ट ऑफ वॉज ओरिजिनली अ स्कॉटिश लीगल एक्सप्रेशन. ये जो एक्सप्रेशन है वो स्कॉटिश लीगल एक्सप्रेशन है, जिसमें आर्ट जो है उसे रिफर किया गया था, कि आर्ट रिफर टू द ब्रिंगिंग अबाउट ऑफ एन एक्शन एंड पार्ट टू पार्टिसिपेशन इन इट. मतलब आर्ट जो है उसका मतलब है कि ब्रिंगिंग अबाउट एंड, किसी भी एक्शन के अंदर इन्वॉल्व होना, और पार्टिसिपेंट उसका, पार्टिसिपेंट उसका कोई भाग होना. ओके, नेक्स्ट idiom इज एन आर्टिकल ऑफ फेथ. इट मीन्स अ फर्म हेल्ड बिलीफ. मतलब कि कोई भी बिलीफ है, कोई भी विश्वास है जो किसी चीज़ के ऊपर बना हुआ है, खास करके रिलीजियस जो बिलीव्स होते हैं, रिलीजियस जो मान्यता है, वो पहले से बहुत ज़्यादा बन चुकी हैं और वो फॉर्म है, वो डटी हुई हैं. तो उन ऐसे विश्वास और ऐसे बिलीव्स के लिए, ऐसी मान्यताओं के लिए यूज़ होगा एन आर्टिकल ऑफ फेथ. आर्टिकल इज हेयर यूज इन द सेंस ऑफ अ स्टेटमेंट और आइटम इन अ समरी ऑफ रिलीजियस बिलीफ. आर्टिकल जो स्टेटमेंट है वो, और एक इस तरीके का स्टेटमेंट है जो सिर्फ रिलीजियस बिलीफ, यानी कि जो हमारे रिलीजन से, धार्मिक जो मान्यता है उनसे ही जुड़ा हुआ है. ओके, नेक्स्ट idiom इज As and when. It means used to refer to an uncertain future event. कि जो भी future का event है जो uncertain है, as and when. मतलब कि जो future के बारे में हम बता रहे हैं कि ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और उसकी certainty नहीं है, uncertain है, निश्चित नहीं है कि वो होगा कि नहीं होगा. तो ऐसे किसी event के लिए, ऐसी किसी बात के, future की किसी बात के लिए हम जो है as and when idiom use करेंगे. Okay, next idiom is As if. Here it is. As if. It means used to express the speaker's belief that something is very doubtful or unlikely.
ये एज इफ जो ईडियम है ये मतलब स्पीकर का बिलीफ शो कर रहा है, स्पीकर के बिलीफ को बताने के लिए यूज हुआ है कि वो जो बिलीफ है वो डाउटफुल बिलीफ है, और जो जिस चीज के ऊपर बिलीव किया जा रहा है कि वो वैसा नहीं होने वाला है, यानी कि जो बोलने वाला है एज इफ जो बोलेगा, इसमें हम ये कह सकते हैं एज इफ जो है हम कंडीशनल सेंटेंसेस में यूज करते हैं, तो कंडीशन में एज इफ ऐसा होगा तो ऐसा होगा और ऐसा नहीं होगा, यानी कि कंडीशन पुट कर रहे हैं, तो ठीक जो इस बोलने वाला है वो अपना स्ट्रांग बिलीफ नहीं वहां पे रख रहा है, वो डाउटफुल सिचुएशन में है कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम एज इफ जो है वो यूज करेंगे। ओके नाउ नेक्स्ट इडियम इज एज इट वर, इट मीन्स इन अ वे, यूज टू बी लेस प्रिसाइज इन अ वे, एज इट वर अगर किसी भी सेंटेंस में हम यूज करते हैं एज इट वर, तो सेंटेंस के और जो भी सिचुएशन है उसको एक तरीके से बताने के लिए और उसको थोड़ा सा छोटा बनाने के लिए हम ये यूज कर सकते हैं, एज जैसा कि एग्जाम्पल के अंदर दिया हुआ है, एटलांटिक जैज ऑडियंस परमिट ओल्डर म्यूजिशियंस टू गो ऑन शूटिंग अप एज इट वर अंटिल दे ड्रॉप। ओके, कि उन्होंने म्यूजिशियन को जो है वो परमिट किया कि वो शूटिंग के लिए, शूटिंग अप करने के लिए वहां पे जाएं, और एज इट वर जैसा कि होना चाहिए था, इट मींस कि उस सेंटेंस को उनका जो भी काम है उसको छोटा करने के लिए, उसको मतलब पूरा एक्सप्रेस ना करके उसे एज इट वर कि ऐसा होना चाहिए था कि शो में कर दिया, इन अ वे इस तरीके से होना चाहिए था के सेंस में है ये। ओके नाउ नेक्स्ट इडियम इज इन द असेंडेंट, इन द असेंडेंट, असेंडेंट मीन्स कि राइज होना, जो असेंडिंग ऑर्डर होता है उसी से है ये, इन द असेंडेंट, यानी कि किसी की भी पावर या उसकी जो प्रभाव है इन्फ्लुएंस उसके अंदर बढ़ोतरी होना, इन द असेंडेंट मीन्स राइजिंग इन पावर और इन्फ्लुएंस, मतलब कि किसी की भी शक्ति या उसके प्रभाव के अंदर बढ़ोतरी होना। ओके नाउ नेक्स्ट इडियम इज टर्न टू एशेज इन योर माउथ, टर्न टू एशेज इन योर माउथ मतलब कि माउथ में जाते ही किसी भी चीज़ का एशेज हो जाना, तो इट मीन्स बिकम बिटरली डिसअपॉइंटिंग और वर्थलेस, किसी भी सिचुएशन में या कोई भी काम हम कर रहे हैं और अचानक से हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं, या हमारा जितना किया कराया काम है वो बिल्कुल वर्थलेस हो जाता है, उसका कुछ भी नहीं निकल पाता है, उसका कोई मोटिव नहीं बन पाता है, और हमारी सिचुएशन ऐसी है कि हम बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गए, ऐसी सिचुएशन के लिए हम ये जो इडियम है वो यूज़ करेंगे, टर्न टू एशेज इन योर माउथ, जैसा कि ये जो फ्रेज है, दिस फ्रेज अल्यूड्स टू द डेड सी फ्रूट, अ लीजेंडरी फ्रूट विच लुक्ड एपेटाइजिंग बट टर्न टू स्मोक एंड एशेज व्हेन समवन ट्राइड टू ईट इट, द फ्रूट आर डिस्क्राइब्ड इन द ट्रेवल्स एट्रीब्यूटेड टू द 14th century राइटर जॉन डी मिडेविल। ये एक पहले ये जो फ्रेज है वो कहाँ से लिया गया है कि एक डेड सी फ्रूट था, जो लीजेंडरी फ्रूट है, जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा एपेटाइजिंग है, आकर्षक है, और जैसे ही उसको मतलब खाने के लिए कोई अपने मुंह में डालने की कोशिश करता है तो वो स्मोक और एशेस के अंदर बिल्कुल चेंज हो जाता है, यानी कि कोई खाने की कोशिश कर रहा है और वो बिल्कुल ऐश बन गया, तो वो पर्सन जो है जो उसे खाना चाहता है वो बिल्कुल डिसअपॉइंट हो गया, तो ऐसी कोई भी चीज़ मतलब कोई भी काम जिसमें हम बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं अचानक से, तो उस डिसअपॉइंटमेंट के लिए ये जो इडियम है वो यूज़ होगी, और इस इडियम को जॉन डी मेडेविल ने ट्रेवल्स के अंदर 14th century में यूज़ किया था। ओके ओके नेक्स्ट इडियम इज आस्क मी अनदर, आस्क मी अनदर, इट मीन्स यूज टू से इम्पैथेटिकली डैट यू डू नॉट नो द आंसर ऑफ अ क्वेश्चन, अगर हमसे कोई एक सवाल पूछा जाता है जिसका मतलब हमें मतलब जिसका आंसर हमें आ नहीं रहा है, उसका हम उत्तर देने में के काबिल नहीं है, या मतलब कि हम नहीं दे पा रहे हैं, तो उसके लिए हम ये कहेंगे कि हमसे दूसरा पूछिए, सवाल जो भी है आपका, क्वेश्चन जो भी है वो वापस पूछिए, तो उस सिचुएशन के लिए होगा आस्क मी अनदर, क्योंकि हम जो हैं अनेबल हैं उस क्वेश्चन का आंसर देने में। नेक्स्ट इडियम इज अ बिग आस्क, इट मीन्स अ डिफिकल्ट डिमांड टू फुलफिल, यानी कि किसी ने किसी से कोई डिमांड की गई है और बहुत ही बड़ी डिमांड है, बहुत डिफिकल्ट है उसे पूरा करना, उस डिमांड को पूरा करना, तो ऐसी डिमांड के लिए जो वो पूरी नहीं की जा सकती है या बहुत ही मुश्किल होता है उस डिमांड को पूरा करना, उस चीज़ के लिए हम यूज करेंगे अ बिग आस्क। नेक्स्ट इडियम इज डोंट आस्क मी, ओके द सेम सेंस अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, डोंट आस्क मी, मुझसे मत पूछिए, विद अ एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ में दिया हुआ है, तो इट मीन्स यूज टू इंडिकेट डैट यू डू नॉट नो द आंसर टू अ क्वेश्चन एंड डैट यू आर सरप्राइज और इरिटेटेड टू बी क्वेश्चन, कि आपसे कोई एक किस तरीके का सवाल पूछा जाए जिसका
सामने वाले को भी मालूम है, पूछने वाले को भी पता है कि आपको उसका उत्तर नहीं मालूम है, और आप सरप्राइज हो जाते हैं और इरिटेट हो जाते हैं कि जब इसे पता है कि मुझे ये सब नहीं मालूम तो वो मुझसे क्यों पूछ रहा है। तो ऐसे किसी क्वेश्चन के लिए जो रिप्लाई दिया जाता है विद अ एक्सक्लेमेटरी साइन, ये बोला जाएगा डोंट आस्क मी। ऐसी सिचुएशन में हम यूज़ करेंगे इस इडियम को। नेक्स्ट इडियम इज आई आस्क यू, इट मीन्स, और ये भी एक्सक्लेमेटरी साइन के साथ में है, एक्सक्लेमेशन ऑफ शॉक जो है वो शो कर रहा है यहाँ पे। तो इसका मतलब है एन एक्सक्लेमेशन ऑफ शॉक और डिसअप्रूवल इंटेंटेड टू इलिसिट अग्रीमेंट फ्रॉम योर लिसनर। मतलब कि मतलब हमने किसी से कोई सवाल पूछा है और वो नहीं जानता है और वो बहुत ज़्यादा मतलब डिसअप्रूवल के साथ में और थोड़ा इरिटेट होके वो हमसे ही पूछता है कि ये सवाल तुमने मुझसे पूछा, क्या मैं तुमसे यही सवाल पूछूं? तो कोई बहुत ज़्यादा इरिटेट होके जब वापस से ये बोलता है आई आस्क यू, ऐसी सिचुएशन के लिए ये जो इडियम है वो यूज़ होगी। ओके, नेक्स्ट इडियम इज बी आस्किंग फॉर ट्रबल। ओके, बी आस्किंग फॉर ट्रबल और बी आस्किंग फॉर इट, इसका मतलब कि अपना कोई भी इस तरीके का बिहेवियर जो है, इस तरीके का बिहेवियर शो करना कि हम अपने ही आप को जो है वो मुसीबत में डाल दें। बिहेव इन अ वे डैट इज लाइकली टू रिजल्ट इन डिफिकल्टी फॉर योर सेल्फ। मतलब इस तरीके का बिहेव हमने किसी के साथ में बर्ताव किया या हमने कुछ ऐसा काम कर दिया जिससे हम खुद मुसीबत में फंस जाएं, उसके लिए हम ये इडियम जो है वो यूज़ करेंगे। नेक्स्ट इडियम इज फॉर द आस्किंग, इट मीन्स यूज टू इंडिकेट दैट समवन कैन ईजीली हैव समथिंग इफ दे वॉन्ट इट। फॉर द आस्किंग मतलब ये उस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है किसी को कोई भी चीज़ सिर्फ मांगने पे बहुत ही आसानी से मिल जाना, तो ये इस चीज़ का इंडिकेशन है फॉर द आस्किंग, कोई भी पर्सन जो है जिसके मांगते ही सब कुछ मिल जाता है, उस सिचुएशन के लिए हम यूज़ करेंगे फॉर द आस्किंग। इट मीन्स यूज टू इंडिकेट दैट समवन कैन ईजिली हैव समथिंग इफ दे वॉन्ट इट। नेक्स्ट इडियम इज अस्लीप एट द व्हील, मतलब व्हील के ऊपर सो जाना। इट मीन्स कि आप गाड़ी चला रहे हो और सो जाना, तो ये क्या शो कर रहा है कि आप गाड़ी चलाते हुए एक्टिव नहीं हो, आप सो गए हो, इन एक्टिव की सिचुएशन में आए हो। इट मीन्स नॉट अटेंटिव और अलर्ट और इनएक्टिव, कि आप कोई भी काम कर रहे हो उसमें आप बिल्कुल भी अटेंटिव नहीं हो, अलर्ट नहीं हो, आप अपनी इनएक्टिव सिचुएशन के अंदर हो, आपका बिल्कुल भी ध्यान जो है वो वहाँ पे उस काम के अंदर नहीं है। ओके, नेक्स्ट इडियम में इज बस्ट योर एस, इट मीन्स ट्राई वेरी हार्ड टू डू समथिंग। मतलब कि कोई भी काम करने के लिए बहुत ही कड़ी मेहनत करना, अपना पूरा जो भी आपका हार्डशिप है वो उसके अंदर डाल देना, पूरा ट्राई करना किसी काम के लिए, कड़ी मेहनत करना। नेक्स्ट इडियम इज चू समवन्स एस, इट मीन्स रिप्रीमेंड समवन सीवियरली। रिप्रीमेंड मीन्स टू रिबुक, टू स्कोल्ड समवन, कि किसी को डांटना, और यहाँ पे लिखा है कि रिप्रीमेंड समवन सीवियरली, इट मीन्स कि किसी को बहुत ही बुरे तरीके से जो है वो डांटना। तो कोई किसी को बहुत बुरे तरीके से डांटता है, उसको रिप्रीमेंड करता है, रिबुक करता है, तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे च्यू समवन्स एस। ओके, और ये जो एस वर्ड है ये है ना नॉर्थन अमेरिकन का वल्गर स्लैंग है, मतलब उनकी डेली लाइफ में स्लैंग जो लैंग्वेज होती है एक उस स्टाइल के अंदर, वो मोस्टली नॉर्थन अमेरिकन जो हैं वो यूज़ करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इडियम इज कवर योर एस, इट मीन्स टेक स्टेप्स टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, यानी कि खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, खुद को बिल्कुल सुरक्षित करने के लिए जितने भी इंतज़ाम हो सकते हैं वो इंतज़ाम करना, यानी कि अपनी खुद की सुरक्षा के इंतजाम करना। नेक्स्ट इडियम इज ड्रैग एस और हॉल एस, इट मीन्स हरी और मूव फास्ट, जल्दी जल्दी चलना या जल्दबाजी करना में के सेंस में हम यूज करेंगे ड्रैग एस और हॉल एस। नेक्स्ट इडियम इज गेट योर एस इन गियर, इसका मतलब भी है टू हरी, कि जल्दबाजी करना किसी भी चीज में या किसी भी काम के अंदर जल्दबाजी करना के लिए हम यूज करेंगे गेट योर एस इन गियर। ओके, नेक्स्ट इडियम इज नॉट गिव अ रैट्स एस, इट मीन्स नॉट केयर एट ऑल अबाउट समथिंग। किसी भी इंसान का किसी भी सिचुएशन या किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी केयर नहीं करना, यानी कि पूरा नज़रअंदाज कर देना, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी भी चीज़ के बारे में परवाह नहीं करना, इसका मतलब होगा नॉट गिव अ रैट्स एस, नॉट केयर एट ऑल अबाउट समथिंग। नेक्स्ट इडियम इज पुट समवन्स एस इन अ स्लिंग, इट मीन्स गेट समवन इन
ट्रबल, किसी को मुसीबत में डाल देना का सेंस है पुट समवंस एस इन अ स्लिंग. नेक्स्ट इडियम इज विप समवंस एस, और वी कैन से बर्स्ट समवंस एस. इट मींस यूज फिजिकल फोर्स टू बीट समवन इन अ फाइट, यानी कि फिजिकली अपनी पूरी ताकत जो है किसी को फाइट के अंदर, लड़ाई के अंदर हराने के लिए और उसको पीटने के लिए अपनी पूरी शारीरिक जो ताकत है वो लगा देना. नेक्स्ट idiom इज एट इट, इट मीन्स इंगेज इन सम एक्टिविटी, टिपिकली अ रिप्रीहेंसिबल वन, कि एक इस तरीके के एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना जिसमें हमें जो है सजा भी मिल सकती है, यानी कि बुरे काम के अंदर खुद को इन्वॉल्व करना जिसका जो अंजाम है, जो कंक्लूजन है वो एक बुरा हो सकता है, उसे सजा भी मिल सकती है. नेक्स्ट idiom इज एट डेट, इट मीन्स इन एडिशन फर्दर मोर, मतलब हम कोई भी बात कहना चाहते हैं और उसमें हम कहते हैं कि अच्छा इसके अलावा हम ये भी है, फर्दर मोर इंस्ट्रक्शन आर देयर, हम फर्दर मोर इंस्ट्रक्शन आर देयर, मतलब पूरा हमने बोल दिया लेकिन कुछ एक दो रह गई चीज़ें तो उसके लिए हम ये यूज़ करते हैं. तो वो जो फर्दर मोर है और इन एडिशन टू, किसी चीज़ में हम कुछ और जोड़ना जो चाहते हैं उसके लिए भी हम ये जो idiom है यूज़ करेंगे एट डेट. यूज फॉर emphasis एट द एंड ऑफ अ स्टेटमेंट, मतलब कि हम सब कुछ क्या है कि हम ख़त्म कर चुके हैं लेकिन हम भूल गए कि हमने ये एक दो बातें और जोड़नी है इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट भी हैं और हम emphasize करके हम उसमें जोड़ रहे हैं, तो जो एक्स्ट्रा जो हम उसमें ऐड करना चाहते हैं उसके लिए यूज होगा एट डेट. ओके, नेक्स्ट idiom इज वेयर इट इज एट, इट मींस द मोस्ट फैशनेबल प्लेस, पोजीशन और एक्टिविटी, यानी कि जो सबसे ज्यादा फैशनेबल जगह है और आकर्षक जगह है और पोजेशन है, यानी कि बहुत ही आकर्षक चीज़ है किसी की, या कोई ऐसी एक्टिविटी है जो बहुत ज़्यादा एंटरटेनिंग है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे वेयर इट इज़ एट. ओके, नेक्स्ट idiom इज़ एन एटमोसफेयर डैट यू कुड कट विद अ नाइफ, एक इस तरीके का माहौल जिसे आप नाइफ से कट कर सकते हैं. इट मींस अ जनरल फीलिंग ऑफ ग्रेट टेंशन और मैलिवोलेंस, मतलब कि खुद के अंदर एक ऐसी भावना जो है वो एकदम से उत्पन्न होना या अंदर से हमारे आ जाना जो बहुत ही चिंताजनक भावना है, और जो मैलिवोलेंस है मतलब कि जो बहुत ज़्यादा उग्र भी है, मतलब कि हम कह सकते हैं बुरी जो भावना है, चिंताजनक जो भावना है वो अंदर एकदम से आ जाना, तो ऐसी भावनाओं के लिए हम यूज़ करेंगे एन एटमोसफेयर डैट यू कुड कट विद अ नाइफ. नेक्स्ट idiom इज फॉर ऑल लैंग सिन, फॉर ऑल लैंग सिन, ये जो वर्ड है इसका लिटरली मीनिंग होता है, इस फ्रेज का लिटरली मीनिंग है फॉर ओल्ड लॉन्ग सिंस. ओके, यहाँ पे AULD ओल्ड जो है OLD ओल्ड और लैंग लॉन्ग के लिए और सिंस सिंस के लिए यूज हुआ है, और ये जो फ्रेज है ये टाइटल है एक, एज इज द एंड इज द टाइटल एंड रेफरेन ऑफ अ सॉन्ग बाय रॉबर्ट बर्न्स, और उनका टाइटल भी है उनके रेफरेन और रेफरेन भी है उनके गाने का, रॉबर्ट बर्न्स के गाने का जो है, और इसका मतलब होता है फॉर ओल्ड टाइम्स सेक, यानी कि पुराने जमाने के लिए, कि पुराने ज़माने के लिए हम अगर कहेंगे कि अच्छा तुम पुराने ज़माने के लिए इस तरह से कर दो और पुराने ज़माने के लिए, पुराने वक्त के लिए तुम ऐसा कर दो, तब उस ऐसी सिचुएशन के लिए हम ये यूज़ करेंगे फॉर ओल्ड लैंग सिन जो idiom है इसको यूज़ करेंगे. नेक्स्ट idiom इज अंडर द ऑस्पिस, अंडर द ऑस्पिस विद द हेल्प सपोर्ट और प्रोटेक्शन ऑफ, ऑस्पिस का मतलब होता है प्रोटेक्शन देना, किसी को सुरक्षित करना या किसी की मदद करना, तो इट मीन्स कि जो भी विद किसी की भी मदद के लिए, किसी भी सपोर्ट के लिए या कोई प्रोटेक्शन के लिए हम ये कहेंगे कि वो उसको ये प्रोटेक्शन जो है वो मिला हुआ है, उसको ये सपोर्ट मिला हुआ है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम यूज़ करेंगे अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ. ओके, नेक्स्ट idiom इज हैव समथिंग ऑन गुड अथॉरिटी, हैव समथिंग ऑन गुड अथॉरिटी, इट मीन्स हैव असर्टेन समथिंग फ्रॉम अ रिलायबल सोर्स, कि बहुत ही रिलायबल सोर्स हैं और उसके बारे में भी हम असर्टेन होना, यानी कि पूरा अच्छे तरीके से निश्चित हो जाना रिलायबल सोर्सों के लिए, सोर्स जो भी हैं हमारी जान पहचान है उनके बारे में. नेक्स्ट idiom इज अवे विद समथिंग, इट मीन्स यूज्ड एज एन एक्सहॉर्टेशन टू ओवर कम और बी रिड ऑफ समथिंग, यानी कि हम किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए
हम इस ईडियम का यूज करेंगे कि या छुटकारा पा लिया है या उस सिचुएशन से हम ओवरकम हो गए हैं या बाहर निकल गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन में हम ये यूज करेंगे ईडियम अवे विद समथिंग. ओके, नेक्स्ट ईडियम इज गेट अवे विद यू. इट मींस यूज टू एक्सप्रेस सेप्टिसिज्म. ए सेप्टिसिज्म मींस डाउटफुल सिचुएशन, किसी पे शक करना. ओके, तो अपना खुद का शक या डाउटफुल जो जो भी डाउट्स हैं वो एक्सप्रेस करने के लिए हम ये यूज करेंगे गेट अवे विद यू. नेक्स्ट ईडियम इज द ऑकवर्ड एज. द ऑकवर्ड एज जो है अडोलसेंस के लिए यानी किशोरावस्था के लिए यूज होता है. नेक्स्ट ईडियम इज द ऑकवर्ड स्क्वैड. स्क्वैड मीन्स अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, जिसके ग्रुप होगा उसके लिए हम स्क्वैड यूज करते हैं. इट मीन्स अ स्क्वैड कंपोज ऑफ रिक्रूट्स एंड सोल्जर्स हु नीड फर्दर ट्रेनिंग. यानी कि इस तरीके के जो नए रिक्रूटमेंट हुए हैं और जो सोल्जर्स हैं वो नए हैं बिल्कुल, मतलब एक स्क्वाड में इस तरीके के सोल्जर्स जो हैं वो आए हैं जिनको और आगे की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, यानी कि अभी तक वो बिल्कुल अनजान हैं उन चीज़ों से और उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है. ओके, नेक्स्ट ईडियम इज हैव एन एक्स टू ग्रिंड. इट मीन्स हैव अ प्राइवेट समथिंग समटाइम्स मेलाइन एंड मोटिव फॉर डूइंग और बींग इन्वॉल्व इन समथिंग. ओके, हैव एन एक्स टू ग्रिंड. इट्स का मतलब है कि हैव अ प्राइवेट समटाइम्स मैलाइन मोटिव फॉर डूइंग और बींग इन्वॉल्व इन समथिंग. इट मीन्स कि कुछ भी जो है वो बहुत काम जो कर रहे हैं उसमें हम इन्वॉल्व हैं, उसमें प्राइवेट और कुछ अपनी खुद की स्वार्थ की भावनाएं जो हैं वो होना, यानी कि बहुत स्वार्थी होके कोई भी काम करना के सेंस में हम यूज करेंगे हैव एन एक्स टू ग्रिंड. नेक्स्ट ईडियम इज द एज हैव इट. इट मीन्स द अफर्मेटिव वोट्स आर इन द मेजोरिटी. यानी कि किसी भी चीज़ के लिए पॉजिटिव तरीके से हाँ होना. एज जो है वो एक आर्काइक वर्ड है, AAYE आर्काइक वर्ड है और इसका यूज जो है यस के लिए किया जाता है. और नोज NOES नोज जो है वो नो के लिए किया जाता है. मेनली ये पॉलिटिक्स के अंदर वोटिंग के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि दो पक्ष हैं, दो पक्ष में से एक पक्ष के पास में मेजॉरिटी में वोट आए हैं तो उसके लिए यूज़ होगा द अफर्मेटिव वोट्स आर इन द मेजॉरिटी. ओके, द एज हैव इट. यस, आज के लिए हमारी इतनी ही ईडियम्स हैं. 42-45 के अबाउट में ये ईडियम्स हैं आज की हमारी. और ये सारी ईडियम्स जो है अल्फ़ाबेट ए से जितनी भी ईडियम्स हैं वो हमने अभी कवर अप कर ली हैं. बाकी की ईडियम्स जो हैं हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे. यानी कि अल्फ़ाबेट जो ए है वो कम्प्लीट हो गया है और इसे आप रिवाइज़ कीजिए तो आपको बहुत ईजीली जो है सारी ईडियम्स जो हैं समझ में आ जाएंगी. और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए. कल हम फिर से मिलते हैं और अब हम बी अल्फाबेट की ईडियम्स जो हैं वो स्टार्ट करेंगे. ओके, सी यू देन.